कुछ ऐसे फेक फूड्स जिन्हें आप रोज खा रहे हो और आपको उनके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और कौन सी है सबसे महंगी दवा जो किसी बीमारी के इलाज के लिए यूज की जाती है, और क्यों ये लोग पानी में इस जानवर का पूप मिलाकर पीते हैं, और क्या कम सोने से आप मोटे हो जाओगे, और ये फैक्ट सुनकर आपको भी साइंटिस्ट के ऊपर दया आ जाएगी। तो सस्पेंस को धीरे से खत्म करते हैं और वीडियो को तेजी से शुरू करते हैं। नंबर 22, जोलजेंसमा एक जीन थेरेपी है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक डिजीज या कंडीशन को ट्रीट करती है। और अभी तक जितने भी ड्रग्स बने हैं जो किसी डिजीज लाइक कंडीशन को ट्रीट करते हैं, उनमें से ये सबसे एक्सपेंसिव ड्रग है। इसके वन टाइम ट्रीटमेंट का टोटल कॉस्ट $2.1 मिलियन है। नंबर 21, एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि जिम में जो लोग फ्री वेट्स मतलब डंबल्स या बारबेल्स उठाते हैं यूज करते हैं, उनमें एक टॉयलेट सीट से 362 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 20, अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी के 7 साल लगाकर एक रिसर्च की और दुनिया को ये बताया कि ह्यूमन यूरिन में 3,079 डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। साइंटिस्ट भी कितने बुद्धू है ना, 7 साल लगा दिए ये जानने में, जिससे कई लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। नंबर 19, एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पता चला कि लॉसेस जो होते हैं वो गेन से 2 गुना ज्यादा पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। दूसरे शब्दों में समझाऊं तो मान लो कि आपको 100 रुपए मिलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वहीं आपके 100 रुपए खो जाते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। जितना 100 रुपए मिलने पर आपको अच्छा लगता है, उससे 2 गुना ज्यादा 100 रुपए खोने पर आपको बुरा लगेगा। नंबर 18, बोलीविया के रूरल एरियाज में लोग टिन और सिल्वर माइन से निकल रहे पॉइजनस वाटर को ट्रीट करने के लिए, मतलब पानी को पीने या यूज करने लायक बनाने के लिए, उसमें लामा नाम के इस जानवर का पूप मिलाते हैं जो पानी में डिजोल्व मेटल इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है। नंबर 17, 2014 में इटली के एक हॉस्पिटल में एक नर्स ने 38 पेशेंट्स को मार डाला क्योंकि वो पेशेंट्स उसे अनोइंग लगते थे। नंबर 16, 18th सेंचुरी में स्कॉटलैंड के मेडिकल स्टूडेंट्स और एनाटोमिस्ट अपने ट्यूशन फीस के बदले डेड बॉडीज देते थे, और उस टाइम वो लोग डेड बॉडीज को ग्रेव से भी रॉब करते थे। इसे बॉडी स्नैचिंग कहते थे, जो कि इलीगल था। नंबर 15, जॉर्ज वाशिंगटन की ये फोटो जो अमेरिका की नोटों में छापी जाती है, वो एक पेंटिंग थी जो कभी भी कम्प्लीट नहीं हुई। नंबर 14, जिस एप्पल ट्री के नीचे बैठकर न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में पता चला था, उस पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में लेकर गया था ताकि हिस्टोरिकल पेड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ग्रेविटी को डिफाई कर सके। नंबर 13, 20वीं शताब्दी में एक टाइम था जब रोड पर घोड़ा गाड़ी चलती थी। तब लोग सोचते थे कि घोड़े बहुत पॉल्यूशन करते हैं, चलते चलते पूरी रोड में अपनी पूप फैलाते रहते हैं। तब इसके अल्टरनेटिव के रूप में लोगों ने कार्स को देखा था, और आज कार्स कितना पॉल्यूशन करती हैं ये बताने की जरूरत नहीं। नंबर 12, जापान का कोकुरा शहर जो है, ये था ओरिजिनल टारगेट उस बॉम्ब का जो नागासाकी में ब्लास्ट किया गया था, लेकिन कई सारे फैक्टर्स के चलते टारगेट को चेंज कर दिया गया था। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि अगर आप सफिशिएंट स्लीप मतलब जितनी जरूरत है उतना नहीं सोते तो इससे आपका वेट गेन होता है, आप मोटे हो सकते हो, क्योंकि कम सोने से बॉडी की हार्मोन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है जिससे ज्यादा भूख लगती है, और फिर आप ज्यादा खाओगे और फिर मोटे बन जाओगे। नंबर 10, हर साल मिलियंस ऑफ मिलियन पेशेंट्स के ऊपर सर्जिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। उनमें से लगभग 1500 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर गलती से कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रह जाता है, जिससे कई सारे लोगों की जान भी जाती है। नंबर 9, स्टडीज में पता चला है कि म्यूजिक सुनने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। उनमें से एक है कि म्यूजिक आपके गुड डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपकी पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। नंबर 8, जब ड्रैगन फ्लाई मेट करते हैं तो उनकी बॉडी कंबाइन होकर एक हार्ट का शेप बनाती है। नंबर 7, अगर आपने 10 साल पहले कोई मैट्रेस खरीदा होगा तो उस समय उसका जितना वेट था वो डेड स्किन स्वेट और डस्ट माइट्स एब्सॉर्ब करके आज डबल हो गया होगा। नंबर 6, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है टेलुरियम नाम का, जिसकी स्मेल बहुत गंदी है। अगर एक माइक्रोग्राम जितना टेलुरियम कोई खा ले तो उसकी ब्रेथ और स्वेट 8 महीनों तक गार्लिक की तरह स्मेल करेंगे। नंबर 5, पोलर बियर, ये जानवर जो होते हैं इनके सूंघने की शक्ति सेंस ऑफ स्मेल डॉग से भी अच्छी होती है, ये अपने शिकार को बर्फ में 32 किलोमीटर दूर से ही सूंघ सकते हैं। नंबर 4, फ्रांस में एक कॉफी शॉप है जहां अगर आप कॉफी लेते समय हेलो और प्लीज वर्ड नहीं यूज करते तो आपको कॉफी ज्यादा महंगी दी जाएगी उन लोगों से जो कॉफी मांगते समय हेलो और प्लीज वर्ड का यूज किए थे। नंबर 3, टॉप 20 रिचेस्ट वुमेन्स की जो लिस्ट है उसमें से 17 वुमेन्स ऐसी हैं जो अपने पति या पिता से मिली दौलत की वजह से अमीर बनी, और केवल 3 ही ऐसी है जिन्होंने अपने पैसे खुद कमाए हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है कि हर दिन 10 से 20 वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं, और 80% वोल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। नंबर 1, आज दुनिया में कई सारी खाने की चीजें ऐसे बिक रही हैं जो कि फेक हैं, और उनमें से एक है हनी, यानी कि शहद। दुनिया भर में जितनी भी हनी बेची जाती है उसमें 1/3 हिस्सा फेक हनी का होता है, क्योंकि रियल हनी बनाने के लिए नेचर और पेशेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जिसमें काफी समय भी लगता है, लेकिन इतनी मेहनत और इंतजार करने के बदले लोग फेक हनी बना।
बना लेते हैं। आज पूरी दुनिया में जितनी हनी बिकती है उतनी तो मधुमक्खियां बनाती भी नहीं है, और सबसे ज्यादा फेक हनी चाइना में बनती है। और इसी तरह फेक एग्स भी बनते हैं जो कि वैक्स और रेजिन से बनाए जाते हैं, जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल असली अंडे जैसे लगेंगे, लेकिन जब आप उन्हें कुक करोगे तो पता चलेगा कि ये खाने लायक है ही नहीं। ये प्रॉब्लम 1990s से एग्जिस्ट करती है, जो कि चाइना की ही देन है।